दोस्तों आपने शायद ही धड़ीचा प्रथा के बारे में सुन रखा होगा। तो आखिर क्या है धड़ीचा प्रथा और इस प्रथा में कैसे लगती है महिलाओं की मंडी? दोस्तों आप सभी ने भाड़े पर गाड़ी और घर मिलने का तो सुना होगा, लेकिन भाड़े पर पत्नी मिलने की बात कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपको हम कहें कि हमारे भारत देश में ऐसे कई जगह हैं जहां पर पत्नी भाड़े पर मिलती है तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है और ये सब हमारे भारत देश के एक इलाके में हो रहा है। तो चलिए आज इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों हमारे भारत के मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला है। शिवपुरी में एक प्रथा बहुत ही प्रचलित है जिसका नाम धड़ीचा है। यहाँ पर हर एक महीने से लेकर एक साल के लिए पत्नी भाड़े पर मिलती है। दोस्तों इस जिले में महिलाओं की मंडी सजाई जाती है। इस कुप्रथा की आड़ में यहाँ एक मंडी लगती है। उस मंडी में ही महिलाओं का सौदा यानी बॉन्ड तय होता है। सौदा तय होने के बाद खरीदार पुरुष और बिकने वाली महिला के बीच करार भी होता है, पर ये करार 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टाम्प पेपर पर होता है। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं, और ऐसा मंडी में महिलाओं की कीमत क्या रखी जाती है आप इसके बारे में जान लीजिए। खरीदार पुरुष को महिला या उसके परिवार को एक निश्चित रकम अदा करनी पड़ती है। ये रकम 50,000 से 4 लाख रुपए तक होती है और ये रकम एक महिला की खूबसूरती पर निर्भर करती है। दोस्तों इसके बाद भी करार यानी स्टाम्प बॉन्ड की अवधि समाप्त होने के बाद महिला फिर दूसरे पुरुष से शादी कर सकती है। अगर पहले वाला पुरुष ही महिला को रखना चाहता है तो फिर से मोटी रकम अदा करनी पड़ती है और स्टाम्प पेपर बनाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस प्रथा में महिला चाहे तो करार बीच में भी तोड़ सकती है, लेकिन उस स्थिति में महिला को स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होता है। उसके बाद तय राशि पति को लौटानी पड़ती है। कभी कभार दूसरे पुरुष से ज्यादा पैसे मिलने पर महिला करार तोड़ देती है और दूसरे से अधिक पैसे लेती है। और दोस्तों ये सौदे इस गांव में खुलेआम होते हैं और इस गांव पर किसी भी पुलिस का कोई जोर नहीं चलता। अब सवाल उठता है कि हम शिवपुरी की उस जमीन जहां धड़ीचा प्रथा चलती है वहां खड़े होकर ये कह सकते हैं कि गर्व कीजिए आप भारत भूमि पर है? शायद कभी नहीं। एक पढ़ा लिखा समझदार जागरूक व्यक्ति तो कभी भी ये उस जमीन पर खड़ा होकर नहीं कह पाएगा। तो दोस्तों आपका इस प्रथा के बारे में क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही दोस्तों हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों इसे नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही लगे बेल के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट भी कर देना।